हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। टुडे वी डिस्कस 28 फरवरी न्यूज़पेपर। हिंडन नदी में अवशिष्ट बहाने पर अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अवशिष्ट पदार्थों को डायरेक्टली हिंडन नदी में बहाने के लिए रोकथाम के लिए निर्देश दिए हैं कि अवशिष्टों को डायरेक्ट ना नदी में बहाया जाए और सीवेज कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, क्योंकि सीवेज नेटवर्क वहां उपस्थित नहीं है, तो उस वजह से डायरेक्ट उसको नदी के अंदर प्रवाहित किया जा रहा था। हिंडन नदी यूपी के अंदर बहती है, कल्प में था। संस्कृत के नैतिक विचारों का सबसे उच्च स्तर तब आता है जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। चार्ल्स डार्विन। आप क्या ऐड करोगे इसमें परवेश मान सिंह? नहीं दिव्या, आप कंटिन्यू करो। कि अपने विचारों पर या फिर कोई भी काम करना है तो अपने खुद के ऊपर संयम रखकर किस दिशा में चलना है उस चीज के ऊपर देख सकते हैं कि जब हमका हमारे खुद के ऊपर नियंत्रण होगा तो हम अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। 2047 तक 35 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर भारत। तो किस तरह से स्टार्टअप को बढ़ाया जा रहा है, उसके लिए महाकुंभ या फिर मेले फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है ताकि उनको बढ़ाया जा सके। 2014 में देखा गया था कि जहां पर एक स्टार्टअप था, 2024 में उसके कंपेरेटिवली 190 स्टार्टअप्स है। तो उनको बढ़ाया जा रहा है, किस तरह से जो उद्योग है उनको बढ़ाया जा सके, रोजगार को बढ़ाया जा सके, और जो एमएसएमई सेक्टर है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके, जिससे आत्मविश्वास होगा, सुशासन बढ़ेगा, नवसंचार के कार्य बढ़ेंगे। और यह क्रांतिकारी स्टेप की तरह नजर आएगा कि अगर हम अलग और अर्थव्यवस्थाओं से कंपेयर करते हैं विश्व की, तो वो इतनी ज्यादा अभी सब में ही हमें डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी उस तरह से पॉजिटिव है, हमें मूव करती हुई दिखाई देती है हमें। तो उनमें स्टार्टअप्स का और इनका बड़ा रोल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नागरिक की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। तो अनुच्छेद 21 के अंदर कहा गया है कि जीवन का अधिकार उसे सर्वोपरि बताया गया है, उसे कि अधिकार संविधान की आत्मा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जमानती या फिर जिनमें जल्दी जमानत दे देनी चाहिए थी उन मामलों पर भी जमानत नहीं दी जाती, सोचा उनके गुण दोषों की वजह ये देखा जाता है कि मामलों को किस प्रकार आगे टाल दिया जाए, तो इस तरह की प्रक्रिया ना की जाए, उनको रोका जाए। ये मुंबई का एक केस था जो कि पिछले 7 साल से चल रहा था, उसके ऊपर अभी तक जमानत नहीं दी गई, तो उसको अगले एक हफ्ते के अंदर जमानत दी जाए, क्योंकि है अनुच्छेद 21 के तहत नागरिक की स्वतंत्रता है जो कि सर्वोपरि है। यहाँ पे हम सीए रूल्स की बात कर रहे हैं, तो पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज देयर। तो जो सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया था दिसंबर 2019 में, वो इनैक्ट तो हो गया बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि बिकॉज अभी तक उसके रूल्स ही फॉर्मुलेट नहीं हुए। तो ये अनाउंसमेंट आया फ्रॉम दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है, क्या प्रोविजंस है? तो ये अलाउ करते हैं नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स जो इंडिया में माइग्रेट हुए फ्रॉम 3 कंट्रीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, जो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। एंड कौन से रिलीजन्स को वो फॉलो कर सकते हैं, मतलब कौन से रिलीजन से हो सकते हैं, तो ये भी मेंशन है हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन एंड बुद्धिस्ट कम्युनिटीज। तो यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन पार्ट नहीं है, तो इसीलिए ये इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी हुए। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो हमने प्रोटेस्ट देखे हुए, ये कि अगर जो सपोज इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं, जो एज अ नो रीजन भी रहता है उनका प्रोटेस्ट का, कि और ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा उस लोकल एरिया में, जॉब्स इतने कम हैं, जो लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज है उसके लिए कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दैट वाज रीजन। एंड यहाँ पे लिखा है कि सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन। अजम्पशन ये होगा कि कम्युनिटीज ने रिलीजियस पर्सिक्यूशन फेस किया है इन दीज 3 इस्लामिक कंट्रीज। तो इज द थिंग। एंड एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि जो रूल्स अनाउंस किए जाएंगे दैट वुड बी बिफोर दी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू फोर्स। तो एमसीसी फोर्स में तभी आ जाता है जब इलेक्शंस अनाउंस कर दिए जाते हैं बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो विद द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शंस एमसीसी कम्स इनटू फोर्स, एंड व्हेन इट इज इंप्लीमेंटेड, तो तब कोई बड़े डिसीजंस ऐसे आप नहीं ले सकते हो।
कोई बड़े इनिशिएटिव्स नहीं ले सकते हो जो वोटर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करें। नेक्स्ट वी सी गगनयान मिशन 2025 इज द टारगेट ईयर। 3 ह्यूमंस वुड बी सेंट फॉर 3 डेज एंड इन लो अर्थ ऑर्बिट 400 किलोमीटर्स। तो हेयर वी कैन सी कि गगनयान मिशन के बारे में कि हु वी कैन टॉक अबाउट हु इज द फर्स्ट ह्यूमन टू लैंड ऑन मून। तो इट वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड दैट वॉज इन ईयर 1969। अपोलो 11 वॉज दी नेम ऑफ द मिशन। तो नासा का मिशन था और इसको हम ईगल के नाम से भी जानते हैं। तो दैट इज द थिंग। और इसके अलावा इसमें 2 कॉम्पोनेंट्स होंगे। तो जो लॉन्च व्हीकल होगा वो LVM3 रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया जाएगा। तो एक तो होगा क्रू मॉड्यूल जिसमें दी ह्यूमंस दे वुड बी प्रेजेंट, और एक होगा सर्विस मॉड्यूल। तो ये 2 इसके कॉम्पोनेंट्स रहने वाले हैं। एंड GSLV वुड बी देयर। तो GSLV में 3 स्टेजेस होती है, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक स्टेज। तो यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। इसके अलावा इंडिया में अगर हम बात करते हैं हु इज द फर्स्ट टू मतलब पहला स्पेस फ्लाइट मिशन, तो वी टॉक अबाउट कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। तो दैट वाज ड्यूरिंग 1984 के टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो कल भी हमने बात करी कि इंडिया का लॉन्ग टर्म विजन क्या है एज फार एज दी स्पेस मिशन आर कंसर्न्ड, कि एक रिलायबल एक्सेस प्रोवाइड करना टू ह्यूमंस इन टू द स्पेस, बीइंग सेल्फ रिलायंट। हमारे जो मिशन हैं उसमें हम सेल्फ रिलायंस रहे, हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट रहा रहे इन टर्म्स ऑफ दी कॉम्पोनेंट्स। तो अमृत जनरेशन की टर्म यूज किया गया। तो अमृत जनरेशन कैसे डिफाइन की गई है, दैट नेवर गिव्स अप एंड शोज द स्ट्रेंथ टू चैलेंज ऑल एडवर्सिटीज। सो रोल ऑफ योगा एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहा है। तो वी कैन टॉक अबाउट दिस की इवन इन दिस, इवन इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द मेंटल स्ट्रेंथ दैट इज बीन इम्पॉर्टेंट। एंड 3 साल से देव बीन अंडरगोइंग ट्रेनिंग ऑल्सो। तो ये भी दिखाता है कि पेशेंस कितना इम्पोर्टेंट है, डेडिकेशन एंड देन गेटिंग ट्रेन्ड इन पर्टिकुलर थिंग टू अचीव अ बिगर टारगेट। एंड इंटरनेशनली अगर हम बात करते हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स की, तो देर आर 3 कंट्रीज, US, रशिया और चाइना। इंडिया वुड बी द फोर्थ वन। एंड इसके अलावा अगर और बाकी डेवलपमेंट्स की हम बात करें इन टर्म्स ऑफ द इसरो, सो कल हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर लॉन्च 3 न्यू फैसिलिटीज एंड 1800 करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट हैव बीन अनाउंस्ड। तो ट्राइसोनिक विंड टनल, सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटीज एंड देन SLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी। तो ये सब इनॉग्रेट किया गया। देन वी आर टॉकिंग अबाउट जीनोम सीक्वेंसिंग। सो इंडिया अचीव दिस टारगेट जो हमने रखा था, 10,000 ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। तो जीनोम इंडिया इज द प्रोजेक्ट एंड इसमें जेनेटिक मैपिंग ऑफ इंडिया, इस बोल सकते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू एक जेनेटिक मैप ऑफ इंडिया क्रिएट किया गया, द पॉपुलेशन, द डेमोग्राफी। तो इसके थ्रू वी आर सीइंग 99 डिस्टिंक्ट पॉपुलेशंस विद इन इंडिया वी कैन सी। तो यहाँ जेनेटिक वेरिएशंस हमें पता लग सकते हैं थ्रू जीनोम सीक्वेंसिंग। तो व्हाट इज अ जीनोम? जीनोम इट इज वी कैन से 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट होता है। उसके अंदर भी जो बेसिस होते हैं उसकी सीक्वेंसिंग, ATGC जिसको हम बोलते हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। तो हर इंडिविजुअल में ये जो बेसिस का सीक्वेंस होता है ये डिफरेंट होता है, डिफरेंट बेस पेयर्स होते हैं हर एक जीनोम में। और जीनोम प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ऑफ अ सेल के अंदर। तो उसको सीक्वेंस करके हमें पता लगाया जा सकता है कि डिजीजेस के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, कि हिस्ट्री में पास में जो डिजीजेस रहे और आने वाले टाइम में हेल्थ केयर सेक्टर की और रेजिलेंस को हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो दैट इज वी कैन से वन द मेन ऑब्जेक्टिव्स। और इसके अलावा वी कैन से कि इंटरनेशनली कौन सी कंट्रीज हैं, लाइक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी है जिसका इंडिया पार्ट रहे। तो उसमें भी से UK, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड दैट इज कॉल्ड दी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट उसको हम बोलते हैं। तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट। और इसमें चैलेंज ये आता था कि इंडिया ने फिर खुद के जीनोम सीक्वेंसिंग क्यों किया? तो बिकॉज जो हम आगे R&D करते थे
उसमें जो डेटा रहता था वो अगेन फॉरेन कंट्रीज उनकी पॉपुलेशन का जीनोमिक डेटा रहता था, तो वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं हो पाता था, तो वो एक बोल सकते हैं आने वाली जो स्कीम्स या पॉलिसीज हैं उसकी भी क्वालिटी को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, बिकॉज इट विल नॉट रिलेटेड टू द इंडियन पॉपुलेशन. तो इसके थ्रू वी गेट द इंडिया स्पेसिफिक डेटाबेस. तो फिजिकल ट्रेट्स और डिजीज हिस्ट्री के बारे में हम और R&D कर सकते हैं, एंड जो रेयर डिजीजेज हैं उसके बारे में. सो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर्स हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में लोकेटेड है, तो उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग किया है. एंड जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी एक तरीके से जो चैलेंज इमर्ज हो रहा है उसमें भी वी कैन सी सर्टन डेवलपमेंट्स थ्रू दिस डेटा. तो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है जहाँ पे पूरा डेटा स्टोर्ड है, एंड दिस वुड ऑल्सो बी मेड अवेलेबल एज अ डिजिटल पब्लिक गुड और रिसर्च, जो हम ओपन डेटा की बात करते हैं. सो दिस इज द थिंग. और इसमें वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट जो प्राइम मिनिस्टर्स साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है, एंड पहले इससे पहले वी यूज टू हैव द साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी. तो मेन रोल क्या है इस काउंसिल का, तो दिस इज टू द प्राइम मिनिस्टर को आप एडवाइस करोगे मैटर्स रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन, एंड यू विल बी मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन इन दिस रिस्पेक्टिव फील्ड, एंड काउंसिल इज चेयर्ड बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट. तो 23 मेंबर कमेटी है एंड इट वॉज फॉर्मुलेटेड इन 2018. तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक बायोटेक्नोलॉजी ये सब इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं. और ओवरऑल एक एशिया का भी प्रोजेक्ट है जिसमें जिनोम एशिया प्रोजेक्ट इज अ नेम, उसमें टारगेट इज कि 1 लाख एशियंस का जो जिनोम सीक्वेंसिंग हमें करना है, तो वो एशिया स्पेसिफिक हो जाएगा. नेक्स्ट वी आर सीइंग मैरिटाइम सिक्योरिटी में अदर डेवलपमेंट्स विकसित मैरिटाइम सेक्टर. सो VOC पोर्ट आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल्स. तो कंटेनर टर्मिनल्स की हम बात कर रहे हैं तो इट इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की हम बात कर रहे हैं. एक एस्पेक्ट ये हो गया मैरिटाइम में, एक हम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बात कर सकते हैं, थर्डली वी कैन टॉक फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टूरिज्म, एंड फोर्थ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनर्जी ब्लू इकोनॉमी की हम बात कर सकते हैं. तो ये ब्रॉडर हेड्स हो गया. एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो 17,000 करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड 36 प्रोजेक्ट्स. तो पोर्ट लेड डेवलपमेंट एक ये फ्रेज हम यूज कर सकते हैं. इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन वेसल लॉन्च किया गया, ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट VOC पोर्ट इज इंडिया फर्स्ट. तो गति शक्ति के अंडर ही ये अनाउंसमेंट है, एंड यहाँ बेनिफिट्स मेंशन है. रिडक्शन होगा कंटेनर ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट के अंदर, जो बोल सकते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट और कम हो सकती है, टर्न अराउंड टाइम और कम होगा. जो हमने बात करी कि कुछ एडवांस कंट्रीज में जो टर्न अराउंड टाइम है दैट इज ऑफ फ्यू स्पेसिफिक आवर्स, इंडिया में अभी वो आवर्स के टर्म्स में नहीं है, वी स्टिल इट टेक्स फ्यू डेज कि यू नो सपोज हमने कुछ इम्पोर्ट किया तो वो पहले ऑफलोड होगा और फिर से हमें उसी वेसल में कुछ एक्सपोर्ट करना है, तो उसको उसके इस दौरान जो टाइम लगता है उसको हम टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं. देन ग्रीन मैरिटाइम हम फोकस कर रहे हैं जीरो एमिशन जीरो नॉइस वेसल्स. नॉइस पोल्यूशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है जो अगेन मैरिटाइम और जो एक्वेटिक लाइफ है उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट करता है. एंड मोर एफिशिएंट सेफ एंड स्पीडी कार्गो इवैक्यूएशन लॉजिस्टिक्स, अपग्रेडेड रेल एंड रोल रेल एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बेटर कनेक्टिविटी, एंड तो सीमलेस कनेक्टिविटी एंड ट्रांजिशन बिटवीन अगेन रोड्स रेलवेज एंड द मैरिटाइम सेक्टर. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डेफिनेटली होगा. दैट्स देयर. तो यहाँ हम गोवा में देख रहे हैं कि मशरूम्स को टर्न किया गया है इनटू गोल्ड, तो मतलब कल्चर किया गया आर्टिफिशियली. जो गोवा में मशरूम्स एक स्पेसिफिक वैरायटी हमें मिलती है जिनको हम लाइक गोवा में दे आर पॉपुलरली कॉल्ड एज रॉयन ऑलमी, तो दे हैव बीन कल्चर्ड इनटू गोल्ड नैनो पार्टिकल्स. एक ये वाइल्ड स्पीशीज ऑफ मशरूम है एंड पार्ट ऑफ डेलिकेसी भी है स्टेट में. तो इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अगेन बायोमेडिकल और बायोटेक्नोलॉजी साइंसेज में. तो सिंस वी आर सीइंग कि डिमांड ऑफ गोल्ड नैनो पार्टिकल्स इंक्रीज हो रही है, तो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के एप्लीकेशन
टारगेटेड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स में, जैसे कार्बन नैनो फाइबर्स की हम बात करते हैं, उसका भी यही इम्प्लीमेंटेशन है, इस पे क्वेश्चन भी है प्रीलिम्स में। देन सेकेंडली यू कैन टॉक अबाउट मेडिकल इमेजिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, लाइक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में गोल्ड हमें नैनो पार्टिकल्स यूज होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को बेटर फ्लो में हेल्प करते हैं। तो वास्ट इकोनॉमिक और बायो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एग्जिस्ट करते हैं गोल्ड नैनो पार्टिकल्स की। एंड ऑल्सो यहाँ पे नगोया प्रोटोकॉल की बात की जा रही है, कि नगोया प्रोटोकॉल में भी मैंडेट है कि आप रिसोर्सेज को यूज करो फॉर द इंडस्ट्रीज, बट साथ ही साथ आप ये भी इंश्योर करना इम्पोर्टेंट है कि देर इज इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स विद द लोकल कम्युनिटी ऑल्सो। तो जो हम इवन देखते हैं कि इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, तो दैट इज मैंडेट अंडर नगोया प्रोटोकॉल। एंड और एप्लीकेशन मेडिसिन और फार्मा सेक्टर में भी, वो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में। तो दिस कैन अगेन हेल्प इन ऑल्सो वी कैन से रिड्यूसिंग द डिजीज बर्डन ऑल्सो, एंड बेटर डायग्नोस्टिक्स एंड क्योर ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। सो अब इसका ओवरऑल बोल सकते हैं कि इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग में तो कॉस्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वी आर सीइंग सस्टेनेबल फंडिंग। जब हम साइंस एंड टेक की सेक्टर की बात करते हैं तो फर्स्टली यहाँ कुछ फैक्ट्स कवर करते हैं। नेशनल साइंस डे जो है हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 28 फेब को। दिस ईयर दी थीम इज साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो डेफिनेटली साइंस और स्टेम सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है जब हम बात करते हैं अचीविंग द टारगेट ऑफ बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047 व्हेन वी विल बी कंप्लीटिंग 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिया में अगर हम R&D के लिए कितना परसेंटेज ऑफ बजट एलोकेट होता है, दैट इज क्लोज टू ओनली 0.7% ऑफ द GDP, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। एंड अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनली डिफरेंट कंट्रीज का क्या एलोकेशन रहता है, तो ऑन एन एवरेज लाइक OECD सेज कि दे आर स्पेंडिंग अराउंड 2.7% ऑफ द GDP इन R&D। US एंड UK में इट इज क्लोज टू अगेन 2%, 2.5%। एंड आइडियली इंडिया में 3% तक होना चाहिए एवरी ईयर अंटिल 2047। तो देन ओनली वी कैन से कि एक हम मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे इवन इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। तो एक ये एस्पेक्ट है। देन इंडिया में 2013 ने हमने लॉन्च किया था साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। तो वहाँ पे भी सेम चीज़ रिपीट की गई कि बजट एलोकेशन इंक्रीज होना चाहिए। तो R&D हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि अब इंटायर बर्डन पब्लिक सेक्टर के ऊपर ही नहीं डाल सकते, तो वहाँ पे रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यहाँ पे अभी प्राइमरी डिपेंडेंस तो पब्लिक मनी के ऊपर ही है, तो ये एक तरीके से इमेच्योर फाइनेंसिंग को रिफ्लेक्ट करता है। एंड प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अभी सिर्फ 36% है, तो ये इंक्रीज हो सकता है। एंड अनुसंधान मिशन की भी हमने बात करी, अनुसंधान मीन्स साइंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन वाज आल्सो सेट अप, सो इट वाज आल्सो मेंट टू सॉल्व सम द फाइनेंशियल इश्यूज एंड जो इम्प्लीमेंटेशन डिलेज भी हो रहे प्रोजेक्ट में। तो एनुअल बजट है ₹2,000 करोड़ का ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। एंड इसमें हम बॉन्ड्स के थ्रू भी पैसा रेज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली साइंस से रिलेटेड। जैसे ग्रीन सेक्टर में हम ब्लू बॉन्ड्स, ग्रीन एनर्जी बॉन्ड्स की बात करते हैं, तो दैट कैन बी आल्सो वन ऑफ द मेथड्स। और जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, वी आर सीइंग कि अगेन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है 72% एस्टिमेटेड बजट एलोकेट किया गया। सो यहाँ पे हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे, अंडर एलोकेशन ऑफ फंड्स, देयर इज अनक्लियर विजन एंड टाइमलाइन, देन टीडियस ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन एंड गेटिंग क्लियरेंसेस, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज लैक ऑफ कैपेसिटी टू इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट्स और क्लियर यूटिलाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स, लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन फॉर साइंस फंडिंग। सो दैट्स देयर। सो ओवरऑल विजन ऑफ बिकमिंग अ साइंस साइंस पर अगर हम ग्राफ्स देखते हैं, तो ग्राफ में भी सेंट्रल सेक्टर का ज्यादा डोमिनेशन है व्हेन इट कम्स टू
एलोकेशन ऑफ फंड्स, उसके बाद वी हैव द प्राइवेट सेक्टर एंड देन हायर एजुकेशन सेक्टर, देन स्टेट सेक्टर है. तो ओवरऑल यू कैन सी जब हम देखते हैं कंपेयर्ड फ्रॉम 1995 टू 2020-21, तो सेंट्रल सेक्टर एलोकेशन बहुत ज़्यादा स्पाइक हुआ है, इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग, बट पोस्ट 2019-20 शार्प डिक्लाइन भी आया है. प्राइवेट सेक्टर का इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग एंड देन हायर एजुकेशन सेक्टर भी इंक्रीज हुआ, बट अभी बहुत लोअर लेवल पे है कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑल्सो. एंड जो ऊपर चार्ट वन वाला ग्राफ है उसमें भी यही दिखा रहे हैं कि हमारी जो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है, R&D पे एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, शार्पली डिक्लाइन हुआ है सिंस 2008-09, एंड R&D एक्सपेंडिचर इन करोड़ रुपीज इंक्रीज हो रहा है. तो कैन से कि डिमांड इंक्रीज हो रही है बट एलोकेशन ऑफ फंड्स हैज बीन डिक्लाइनिंग. तो यू कैन सी दैट बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. We need to ensure there's sustainable and consistent funding as far as science is concerned. So data is important. The next we're talking about bacteria or viruses ki humne baat ki hai, differences ki humne baat ki hai. तो यहाँ एक third element की बात हो रही है, viroids. So viroids जो हैं एक तरीके से free RNA होता है जिसमें कोई protection layer नहीं होती है. अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं बिटवीन विरोइड्स और वायरसेस, तो विरोइड्स भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए स्ट्रक्चर्स हैं बट कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होता है, एंड दे कैन इन्फेक्ट ओनली द प्लांट सेल्स. और जब वायरसेस की बात करते हैं, दे कैन इन्फेक्ट प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं वायरसेस. तो वायरसेस जो हैं दे आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको एक होस्ट चाहिए टू इन्फेक्ट अ पर्टिकुलर, यू कैन से एन एनिमल और स्पीशीज. वर एज विरोइड्स के केस में ऐसा नहीं है. और बैक्टीरिया की जब बात करते हैं तो बैक्टीरिया लिविंग है, तो बैक्टीरिया को ऐसा कोई होस्ट नहीं चाहिए होता है. वो एक सपोज किसी सेल के बाहर एग्जिस्ट भी कर रहे हैं तो देन ऑल्सो दे कैन एग्जिस्ट इन अ लिविंग फॉर्म, बट वायरसेस को एक होस्ट चाहिए होता है टू एक्चुअली इन्फेक्ट अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ बॉडी. सो एक ये बेसिक डिफरेंस है तीनों के बीच में. तो अपार्ट फ्रॉम दिस, तो अभी मतलब ये पार्ट ऑफ न्यू डिस्कवरी है जिनको विरोइड्स और ओबलिस्क, एक ही टर्म इनके लिए यूज की जाती है. तो मोर सिंप्लीफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक फंडामेंटल साइंस की बात हो रही है. तो विरोइड्स कहाँ मिलते हैं ह्यूमन बॉडी में? सो दीज आर देयर इन द ह्यूमन गट एंड साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अ न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ, ऑब्लिस्क्स. तो आगे अब क्वेश्चंस यही उठते हैं बिकॉज अभी रीसेंट डेवलपमेंट है. तो क्वेश्चंस ये हैं कि कैसे वो अपनी खुद की कॉपी बनाते हैं, कैसे वो ट्रांसमिट होते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो और हायर लेवल ऑफ R&D इज रिक्वायर्ड इन दिस केस. तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में और जो हमें पता होना चाहिए. निवे रिकॉर्डिंग रोक दो. फाइनेंस सेक्रेटरी सोमनाथन सजेस्ट चेंजेस इन परफॉर्मेंस ऑडिट बाय CAG. कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया प्रवेश मैंडेट आर्टिकल. आर्टिकल 148 पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स इन 3 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स: पब्लिक अकाउंट, एस्टीमेट एंड अंडरटेकिंग. गाइड एज एक्ट एज गाइड, फिलोसफर एंड फ्रेंड ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट. तो परफॉर्मेंस में हमने देखा क्या दिक्कत रहती है कि जो कैग है वो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करता है. दूसरा, जो रिकमेंडेशन होती है वो हर जगह मानी नहीं जाती है. तीसरा, जो कैग है उसका जो उसकी जो रिपोर्ट है उसके अंदर भी इश्यूज निकाले जाते हैं. तो परफॉर्मेंस किस तरीके से रोबस्ट हो सकती है? कैग को जो है, कैग के अंदर जो ऑफिसर्स हैं उनका आप नंबर ऑफ ऑफिसर्स बढ़ाइए, टाइमली अपॉइंटमेंट कीजिए,
क्योंकि कैट के अंदर भी वैकेंसी जो है बहुत बड़ी रहती है। इसके अलावा इनको खाली ऑडिट की पावर ना देकर इनको कंट्रोलर की भी पावर दी जाए, जैसे कि यूके और बाकी कंट्रीज के अंदर है, ताकि ये जो फाइनेंशियल प्रूडेंस का जो प्रिंसिपल होता है उसको कहीं ना कहीं बचा सके और एक्स्ट्रावेजेंस मनी की होने से रोके। तो बेसिकली अगर बोलेंगे पब्लिक अकाउंट कमिटी जो होते हैं, इट हैज टाइमली अगेन एक्सप्रेस डिस प्लेजर ओवर डिलेड सबमिशन ऑफ द एक्शन नोट टेकन ऑन द कैग रिपोर्ट। तो जो ये परफॉर्मेंस ऑडिट होता है, तो इस पे इसके बेसिस पर फिर ऐसे क्या किया जाता है, मतलब कि कुछ पेनल्टी होता है या फिर कुछ चेंजेस इन द स्कीम होते हैं? नहीं, जो भी ये रिपोर्ट निकालते हैं, अगर मान लीजिए किसी एक्स वाई जेड इन्होंने इंस्टीट्यूट की ऑडिट की और उसमें जो है फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले देखने को मिले, उसके बाद जो है फिर जो नॉर्मल एजेंसी होती है जैसे कि ईडी हो गई और फिर जो आपकी सीबीआई होगी, उनको हैंड ओवर हो जाते हैं केस कि आप अब डील कीजिए, हमारा काम था सिर्फ ऑडिट करके पता लगाना। अब इन्वेस्टिगेशन जो होगा, उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन होगा, वो सारी रिस्पेक्टिव एजेंसी करती है। ठीक है। सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग डिसीजन एंड नीड फॉर फोकस ऑन कंट्रोल टू डिलेज परफॉर्मेंस ऑडिट सुपोषण से सख्त साक्षरता से सक्षम। 173 करोड़ की लागत से 31 जनपदों में 1515 आंगनवाड़ी केंद्र भवन का शिलान्यास इनोग्रेशन किया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्र प्लान डैट वॉन्ट्स टू बी लेफ्ट अलोन टच मी नॉट कैसे काम करता है? तो लोअर हाफ ऑफ द वेस्कुलर स्ट्रैंड के अंदर में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस में रहते हैं, और उसके बाद फिर ऑस्मोटिक प्रेशर कारण अंदर में ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण दे रिलीज वाटर इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस एंड बिकम फ्लैसिड और वाइस वर्सा। इसी कारण अगर आप टच करते हैं उसके कारण वो फोल्ड होता है, मेमोसा पुडिका छुई हुई इसको बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण होता है इसमें। द प्रोसेस अकर्स विच रिजल्ट इन फोल्डिंग ऑफ द लीफलेट व्हेन द स्टिमुलस इज पास ऑन द स्टॉक द एंटायर लीफ ड्रूप्स डाउन, क्योंकि ऊपर और नीचे में अंदर में ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंसेस होता है उसके हिसाब से ऑफ अदर टेक्निकल जो होता है। रिगार्डिंग टू द सब स्टैंडर्ड इम्पोर्ट ऑफ द ड्रग्स ड्रग रेगुलेटर CDSCO, आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर फैमिली वेलफेयर हेल्थ वेलफेयर के अंदर आते हैं और स्टैटूटरी बॉडी है। तो कॉस्मेटिक रूल 2020 के अंदर में बात होता है कि मोस्ट ऑफ द कॉस्मेटिक इम्पोर्टर्स आर नॉट अडेरिंग टू द स्टैंडर्ड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन स्किन होता है उसका डिफरेंट स्पेसिफिक नीड्स होते हैं सनस्क्रीन के एज कम्पेयर टू यूरोपियन स्किन। तो ऐसा क्या होता है कि जो भी रिसर्च R&D होता है बाहर के कॉस्मेटिक के ऊपर, तो द जो लैब टेस्ट होता है क्लिनिकल ट्रायल होता है दे आर मोस्टली डिपेंडेंट दे आर मोस्टली यूजिंग द डेटाबेस ऑफ द यूरोपियन एंसेस्ट्री या फिर वेस्टर्न कंट्री। तो इंडियन के अनुसार अगर नहीं होने से तो जो चीज़ इम्पैक्ट पड़ना चाहिए या जो चीज़ मिलना चाहिए उसका रिजल्ट वो नहीं मिल पाता है। तो ये सिर्फ इसमें इशू नहीं है, दिस इज अगेन विथ रिलेट टू ड्रग्स के भी वही हाल है, वैक्सीन का भी वही हाल है, और फिर कॉस्मेटिक तो है कि जो R&D में इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द इंडियन पीपल, उनका पर एक तरह से लैब टेस्ट रिपोर्ट कम होता है। CDSCO के बारे में पता सर्च करता CDSCO। CDSCO नेशनल एजेंसी रेगुलेटरी बॉडी फॉर द कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक है अलग से, कॉस्मेटिक रूल 2020 फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस कंपेरेबल टू द FDA US के। फैमिली कंपेयर क्या बोला वेलफेयर उसने? कंपेयर टू FDA, FDA जो होता है ना रेगुलेटरी बॉडी फूड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन US के, वैसी CDSCO इंडिया के।
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर मानते हैं, और ये स्टैट्यूटरी मिनिस्ट्री ऑफ बॉडी हेल्थ नहीं के है। अंदर भी एक ऑफिस है, डीजी ऑफ हेल्थ सर्विस इंडिया, उनके अंडर ये काम करती है। मतलब सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स अंडर डीजी हेल्थ सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया मानी जाती है। इसके बाद स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1940 के अंदर कॉस्मेटिक एक्ट आया हुआ से बनी, और 1945 के अंदर इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं। लैंड रिफॉर्म टॉप ऑफ एजेंडा इन थर्ड टर्म। लैंड रिफॉर्म में डिस्कस इस तरह रिगार्डिंग द 45 to 50% इंडिया में जो लैंड है इट इज अंडर कल्टिवेशन। उसके बाद फॉरेस्ट है, उसके बाद 10% 12% 15% के आसपास नॉन एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए, उसके बाद फैलो लैंड, बैरन लैंड, मैंग्रोव्स, वेट लैंड एक्सेट्रा। तो लैंड रिफॉर्म इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स। 67 to 80% जो फार्मर्स है उनके उनके पास 1% से नीचे हेक्टेयर ऑफ लैंड, उसी कारण रेमुनरेशन बेटर रेमुनरेशन नहीं मिल पाता उन्हें। लैंड रिफॉर्म कारण कोऑपरेटिव स्पिरिट में देर विल बी अ राइज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एट द ग्रास रूट लेवल, जैसे PACS या फिर बाकी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वो फिर आपस में कलेक्टिवाइजेशन के बेसिस पे रूरल इंडस्ट्री पे फोकस कर सकते हैं। तीसरा हो सकता है लैंड रिफॉर्म कारण जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है रेवेन्यू सेक्टर में, फिर कोर्ट में, वो कम हो सकता है क्योंकि लैंड आप ऑनलाइन आप डिजिटाइज कर दिए पीएम संहिता के अंदर में, मैप कर दिए उसको हर एक स्पेसिफिक, तो लैंड टाइटल उससे रिलेटेड ओनरशिप का इशू वो हो सकता है सॉल्व। तो लैंड रिफॉर्म सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लैंड रिफॉर्म बेटर मैनेजमेंट ऑफ लैंड है, लैंड यूज ऑफ पॉलिसी, बेटर लैंड यूज है, मीटिंग द टारगेट ऑफ द लाइफ मिशन लॉन्ग टर्म पंचअमृत, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को कम करने के लिए उसमें भी रोल आएगा, कैसे पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे। फिर दूसरे फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर में जो ट्राइबल का लैंड है उनको कितना राइट्स मिलना चाहिए उनके ऊपर, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2018 में कि मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स उनके पास सही टाइटल नहीं है, तो फिर एक इशू हुआ था वो भी मिल सकता है। तो डिजिटाइजेशन ऑफ द लैंड, गवर्नेंस और फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ये आई थिंक विल बी द सब पॉइंट ऑफ द लैंड रिफॉर्म टोटल। अब देखते हैं कि इसमें किस पे बात हो रहा है। रिफॉर्म द लैंड लॉज पेंडिंग है लैंड एक्विजिशन पॉलिसी। कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो लैंड एक्वायर कैसे करेंगे, तो कभी एग्जॉर्बिटेंट प्राइस पे लैंड एक्वायर किया था, इसमें देर इज अ हाई अमाउंट ऑफ करप्शन, इसको ईज कैसे किया जाए। एक पोर्टल होना चाहिए जैसे यूपी में पढ़े थे ई नेवेस पोर्टल, और एक और एक पोर्टल था आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ, उसमें हर कोई इन्वेस्टर आ करके और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक पोर्टल के अंदर में वो ट्रांसपेरेंसी के साथ लैंड एक्वायर कर सकते हैं। लैंड एक्वायर करने के बाद होगा कि सोशल वेजेज एंड सोशल सिक्योरिटी 1920, लेबर कॉन्क्रीट सब्जेक्ट के अंदर में आते हैं, लैंड स्टेट सब्जेक्ट के अंदर में आते हैं, थोड़ा सा मिसमैच होता है। तो ओवरऑल देखा जाता है लैंड रिफॉर्म अगर करेंगे तभी जा करके लॉन्ग टर्म में एग्रीकल्चर में जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म है वो हो सकता है। तो एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर रिफॉर्म में लॉजिस्टिक, लैंड रिफॉर्म, MSP और फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एग्री सेक्टर। सिर्फ और सिर्फ फूड ग्रेन नहीं होना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग होना चाहिए, लाइफ स्टॉक होना चाहिए, पाइसी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, सब डाइवर्सिफिकेशन, तब जाकर के ओवरऑल जो इंडिया में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म है ओवर उसमें हमने फोकस किया। ऑयल स्पिल, टोबैको आइलैंड, त्रिनिदाद एंड टोबैको, ये कहाँ पर है? त्रिनिदाद टोबैको इट इज इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर अटलांटिक ओशन के गल्फ ऑफ मेक्सिको के नीचे में, त्रिनिदाद टोबैको। महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल इंस्पेक्ट आउटलेट और ग्लोबल फास्ट फूड ब्रांड, ये ऐसा क्यों हुआ? तो जो मैकडोनल्ड है दे वर यूजिंग हाइड्रोजनेटेड ऑयल इंस्टेड ऑफ लोकल चीज, जब उन पर जांच हुआ तो वो फिर हाइड्रोजन ऑयल को हटा दिए, लेकिन लिखे तो उसमें चीज बर्गर, चीज, सब जगह चीज लिखा हुआ था,
लेकिन वो बेच रहे थे हाइड्रोजनेटेड ऑयल। इसी पर फूड इंस्पेक्टर जो महाराष्ट्र के, दे आर इंश्योरिंग कंप्लायंस, और तभी हो सकता है जब इंस्पेक्ट करेंगे हर चीज को। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी 2005 अंडर द अमेंडमेंट ऑफ द WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सिमलीपाल टाइगर्स आर फाउंड टू बी मूव विद इन द आइसोलेटेड हैबिटेट, इसी कारण मेलानिस्टिक टाइगर्स फॉर्मेशन होते हैं। मेलानिस्टिक क्या है, एक तरह से ऑलमोस्ट ब्लैक टाइगर, ब्लैक ज्यादा है। वो कब होता है, जो इन 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 ब्रीडिंग होता है, और जेनेटिक डाइवर्सिटी धीरे धीरे कम हो जाता है, तब जाकर के बॉडी में कॉम्प्लिकेशन आते हैं, ह्यूमन में भी बाकी एनिमल में भी। तो यहाँ पर एनिमल की बात हो रहा है। नेशनल टाइगर सर्वे क्रिएट किया जाता है 4 ईयर्स में एक बार होता है, और करेंटली 3,100 से ऊपर पॉपुलेशन है टाइगर के, और कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। टारगेट था कि 2TX2 टाइगर पॉपुलेशन 2। इसमें दो बॉडी है, GTFGTI ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव और ग्लोबल टाइगर फोरम। जो फोरम है इट इज NGO और गवर्नमेंट दोनों एक तरह से पार्ट है उसमें, लेकिन जो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है, इट इज अ ग्लोबल अलायंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी प्राइवेट सेक्टर। उनका रोल रहा है कि टाइगर पॉपुलेशन कैसे बढ़ाए, अब वो हेल्प करते हैं एक और एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन को, ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। अब ग्लोबल टाइगर फोरम जो, इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। तो दो डिफरेंस है, फोरम और इनिशिएटिव।